नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। टीवी एंकर के रूप में अर्नब गोस्वामी भले ही अपनी हेकड़ी दिखाते हों, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत में चल रहे एक मामले का मीडिया ट्रायल करने पर अर्नब की सारी हेकड़ी निकाल दी। गोस्वामी को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि एक आपराधिक मामले में जांच की पेंडेंसी के दौरान मीडिया को समानांतर ट्रायल चलाने, किसी को दोषी कहने या अप्रमाणित दावे करने से बचना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जांच और सबूत की शुद्धता को समझना और उसका सम्मान करना होगा। बहुत बड़ी बात कही है। दिल्ली हाईकोर्ट का ये आदेश कांग्रेस नेता शशि थरूर की तरफ से दायर एक याचिका पर आया है, जिसमें रिपब्लिक टीवी के संपादक एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने की मांग की गई थी, ताकि जब तक सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला कोर्ट में लंबित है, तब तक गोस्वामी को इससे संबंधित कोई भी खबर दिखाने या शो प्रसारित करने से रोका जा सके। हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को फटकार लगाते हुए कहा, जब चार्जशीट में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बनाया गया है, तो आप अभी भी क्यों कह रहे हैं कि हत्या की गई है? क्या आप वहां मौजूद थे? क्या आप चश्मदीद गवाह हैं? क्या आपको ये पता भी है कि किस आधार को हत्या मानी जाती है? मुझे लगता है कि हत्या हुई थी। इस बात का दावा करने से पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि हत्या होती क्या है। गोस्वामी की वकील मालविका त्रिवेदी ने तर्क दिया कि उनके पास एम्स के डॉक्टर से मिले विश्वसनीय सबूत हैं, जो सुनंदा पुष्कर की मौत की ओर इशारा करते हैं। कोर्ट ने उनके तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा, आप सबूत एकत्रित करने के क्षेत्र में नहीं हैं, आपकी सबूतों तक पहुंच नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आपराधिक मुकदमे में सबूत कैसे एकत्रित किए जाते हैं और कैसे मुकदमे में सुनवाई के दौरान उन पर विचार किया जाता है? कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि प्रेस को उन आपराधिक मामलों की रिपोर्टिंग करते समय सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए जिनमें जांच चल रही हो। कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को निर्देश दिया कि वो इस अदालत के पिछले आदेश का पालन करें और मामले की अगली सुनवाई तक संयम बरतें। इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम सामने आएंगे। तो अर्नब दादा को बहुत बड़ी एक वार्निंग मिल गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।